How did you lose weight? Your weight loss journey? Please share your workout routine, diet routine. Oh God. आप मेरी अगर पुरानी वीडियो देखोगे YouTube पे और ये वाली वीडियो देखोगे आपको बहुत ही ज्यादा ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा होगा एंड यही मेरा मोटिव था एक YouTube से ब्रेक लेने का. जस्ट किडिंग, YouTube पे ब्रेक ऐसी हो गई थी बट मैं उस ब्रेक का एक्सक्यूज अपने माइंड को ये दे रही थी कि नहीं दीक्षा, जब तू वापस आएगी YouTube पे यू विल बी दीक्षा 2.0 एंड दैट्स व्हाट आई एम राइट नाउ. आई फील सो एंड मुझे लग रहा है आपको भी ये लग रहा है कि दिस इज दीक्षा 2.0 एंड आई होप दैट यू आर लविंग दीक्षा 2.0 बिकॉज आई एम इन लव विद दीक्षा 2.0. बहुत बारी दीक्षा दीक्षा हो गया बट एनीवे गाइस, आई मिस्ड YouTube, आई मिस्ड यू ऑल एंड आई हैव बीन रिसीविंग सो मेनी मैसेजेस दैट व्हाई आरंट यू एक्टिव ऑन YouTube, व्हाई आरंट यू एक्टिव ऑन YouTube. I'm so sorry. I genuinely wanted to post this video first, then start with my previous videos. Like I have filmed so many videos, Kashmir vlog, and there's this another vlog which I filmed with my friends, and there's this video, makeup video I filmed, which I haven't posted yet, and I was waiting to actually sit down and film this video. To be honest, I've tried filming what I eat in a day, but what I eat in a day is the video which should come after a sit-down video of how I lost my weight, my weight loss journey. So, आपको टाइटल से पता लग चुका होगा. बिफोर वी गेट इन टू द वीडियो प्रॉपरली लुक एट ऑल दोज मैसेजेस. हाउ डिड यू लूज वेट, योर वेट लॉस जर्नी, प्लीज शेयर योर वर्कआउट रूटीन, डाइट रूटीन. ओ गॉड, आई हैव बीन रिसीविंग सो मेनी मैसेजेस एंड आई एम सो सॉरी दैट आई डिलेड दिस मच. आई थिंक आई हैव लॉस्ट द टच ऑफ यूट्यूब. आई वॉज वेरी नर्वस टू actually filmed the video but here I am right now filming the video of my fitness journey. Woo-hoo! First of all, pat on my back, I am very very proud of myself, like how far I've come, and whenever I see my pictures, like I feel very ajeeb. Aap log bhi dekh lo mere sath pictures, screen pe pictures aa chuki hongi. This was me in 2020. I was very unhealthy at that point of time. I actually wasn't unhappy, I was very happy in my own body. आपको वो इंस्टाग्राम पे भी दिख गया होगा, मैंने कभी भी ऐसा इंस्टाग्राम से कुछ ऑफ नहीं लिया या फिर मेरी पिक्चर्स या फिर कुछ में आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि कॉन्फिडेंस कम है. आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि मैंने कभी भी अपने फिटनेस या फिर अपने वेट की वजह से मैंने कुछ भी ऐसे अपने आपको फील नहीं करवाने दिया ना. आई जेन्युइनली वॉज वेरी हैप्पी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल, बट द मेन इशू वॉज माई बॉडी वॉजंट हैप्पी विद मी. मेरे को अपने ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि मैं कभी भी वेट रिड्यूस कर सकती हूँ अपना, एंड मैं कभी भी इतनी फिट हो सकती हूँ अपनी लाइफ में. आई वॉजंट रियली श्योर, दैट्स वाई मैंने कभी डाइटिंग वर्कआउट के बारे में सोचा ही नहीं. आई एक्चुअली वॉन्टेड टू स्टार्ट वर्किंग आउट वे बिफोर एज वेल, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एज वेल, बट वो कभी भी मैं कॉन्टिन्यूसली रही हूँ उस चीज़ को लेकर, क्योंकि हमेशा मेरे माइंड में होता था कि मैं अब ऐसी ही हूँ, मेरे को अब ऐसी ही रहना है, इससे कम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ द वे आई वॉज एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई हैड मेजर इशूज विद माई हेल्थ विच आई इग्नोर्ड फॉर सो लॉन्ग. व्हेन आई वॉज इन 12th इट स्टार्टेड देन, एंड आई स्टार्टेड इग्नोरिंग माई हेल्थ बैक देन एज वेल. आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ डॉक्टर्स एंड आई इग्नोर गोइंग टू डॉक्टर्स. आई वॉज दैट पर्सन एंड आई न्यू बैक देन दैट आई वॉज गोइंग ऑन अनहेल्दी वे. But I couldn't stop. The major issue because of my weight was PCOD, a very very major problem in a girl's life, and it is not good for long run. I wasn't able to gather that courage to go to the doctor and take proper diet or start working out. I was ignoring it because I was like, listen, kitna bura ho sakta hai, matlab kitna zyada bura ho sakta hai. I'm very very careless like that. I genuinely advise, do not ignore all those symptoms which your body gives you. I started gaining weight when I was in 12th and I started facing problems when I was in college. There were so many issues going on with my life and different aspects of my life made me this unhealthy. Every girl bleeds every month, like for 5 days, for 7 days, 3 days, so it's a natural process. But what happened with me, because of my unhealthy routine, I used to bleed for 15 to 20 days a month.
and I am not kidding, I used to bleed for 15 to 20 days a month. 10 days ka mujhe gap milta tha and fir wo cycle meri fir se 20 days wali start ho jati thi. So it happened with me for like 7-8 months and I made peace with it. I was like, this is my life now, this is how my cycle will be. My mom took me to a gynae, so she told me to reduce all the stress which I have in my life and start working out and start losing weight because it was majorly needed at that point of time. I nodded again. Mera hemoglobin wagera sab kam hone lag gaya tha. Obviously you can imagine if a girl is bleeding for 15-20 days, uske andar hemoglobin, uske andar blood hi kahan se rahega. So mere andar se pure nutrients wagera sab khatam ho gaye the. This actually happened for a really long time. Main bahut exterior cheezon pe फंक्शन करने लग गई थी, लाइक ऑल दोज मेडिसिन विच यू टेक फॉर प्रोटीन, फॉर विटामिन्स एंड एवरीथिंग. सो आई स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन ऑल दोज थिंग्स विच इज नॉट गुड. सो इफ यू आर फेसिंग एनी इशू विद योर साइकिल, यू शुड गो एंड कंसल्ट अ गायनी. सो लेट जस्ट स्टार्ट विद हाउ आई वेंट फ्रॉम दिस टू दिस और दिस. सो दिस थिंग actually happened in 2020 when pandemic hit and everyone was at their home and no one was going out. I had this personal thing which was going on with me. At that point of time something hit me. I was like, no, I am done crying. I was crying for a month straight. Whenever I was doing my makeup or getting ready for a shoot, I started crying. I was at my lowest at that point of time. At that time I thought, no, you have to get Deeksha 2.0 and you have to fix your freaking life, for God's sake. So this is not who you are, this is not how you're going to live for the rest of your life. I channelized my aggression. I started with the smallest thing. So I was very angry, as I told you, I was very angry at that point of time. I ordered punching bag from Amazon and maine papa se wo punching bag wagera pura fill karwaya और ऊपर टेरेस पे लगवाया. एंड आई यूज टू गो टू द टेरेस एट नाइट. बहुत जोर की गाने चलाती थी उस छोटे से रूम में एंड पंचिंग बैग जहाँ पे था, आई यूज टू पंच, आई यूज टू जस्ट डू पंचेस. एंड मेरे माइंड में था, अच्छा राइट पंचेस मेरे को 100 करने हैं, लेफ्ट पंचेस 100 करने हैं, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक, देन बोथ द पंचेस टुगेदर 100 100, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक. सो आई यूज टू डू इट फॉर लाइक 15 मिनट्स एंड आई हैड नो क्ल्यू अबाउट बॉक्सिंग, आई हैड नो क्ल्यू हाउ टू पंच अ पंचिंग बैग, आई हैड नो क्ल्यू. आई वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर माई एग्रेशन टू कम out. I actually filmed a video as well at that point of time, which I am not able to find it. I put the camera on the couch and I was just punching the bag with my legs, with my hands, anything possible. I felt really good when I started doing it. So उसके बाद मैं धीरे धीरे ये वाला रूटीन, बॉक्सिंग वाला रूटीन मैंने कंटिन्यू रखा. मैं एक वीक हो गया मैं करती थी और मुझे आदत पड़ गई थी बहुत. फिर देन उसमें मैंने एक और चीज ऐड करी. उसके बाद जब मेरा ये हो गया तो 15-20 मिनट्स में पंचिंग करती थी. देन आई यूज टू डू नॉर्मल एक्सरसाइजेस विच आर वेरी नॉर्मल, लाइक स्क्वाट्स, शेकिंग माई आर्म्स, वॉकिंग ऑन टेरेस. फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट बिकॉज यू हैड नथिंग एट दैट टाइम. मुझे था कि मेरे को यही करना है. देन I started taking care of my diet as well. So the main thing which changed my life, like everyone knows that workout only works for you for 20%. The main 80% is because of diet, and I knew my diet is not good. And literally pandemic helped at that point of time because आप कहीं बाहर से order नहीं कर सकते थे. And my dad was very cautious कि कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, सब कुछ घर पे बनेगा. So सब कुछ बाहर का हमारा junk सब बंद हो चुका था. So it really helped me. And I was like, let's just start intermittent fasting because I've been hearing a lot about intermittent fasting. And I initially started intermittent fasting when I was in college, second year. But उस time पर मैं बहुत stupid तरीके से करती थी. मुझे लगता था अच्छा fast है तो fast में कुछ खाना ही तो नहीं खाना. So I used to have chai and with biscuits and everything. और फिर मेरे को लगता था मैं तो intermittent fasting कर रही हूँ, मैं चाय ही तो पी रही हूँ बस. तो मेरा बहुत stupid तरीका था ये. But then I researched about intermittent fasting. Also Kritika was doing IF at that point of time and मैंने पूरा research करा अच्छा how it works and everything. So then I got a hold of it कि अच्छा this is how it works. Disclaimer, I'm a major sweet tooth. अभी भी अगर मेरे मुंह पे छोटी सी चॉकलेट का एक पीस भी लग जाए ना, मैं तब तक नहीं रुक सकती जब तक वो चॉकलेट पूरी खत्म नहीं होगी. सो आई न्यू बैक देन कि मुझे अपनी शुगर पे कट डाउन करना ही करना है. सो आई स्टॉप्ड हैविंग एनीथिंग विच इन्वॉल्व शुगर, लाइक ऑब्वियसली नेचुरल प्रोडक्ट्स में तो जो शुगर होती है फ्रूट्स में होती है, तो वो नेचुरल शुगर मैं लेती थी. But I stopped having sweets. I stopped drinking chai. And everyone must be like कि नहीं चाय में क्या होता है, but chai plays a major role in your life. I was a chai kid back then and जो भी मुझे अभी जानता है उनको पता है कि मैं सिर्फ कॉफी पीती हूँ. अभी मैं पहले मैं चाय के बिना फंक्शन नहीं कर पाती थी. I wanted cup of chai early in the morning और मैं चाय पीती थी, मैं फिर सो जाती थी.
सो पीपल डोंट नो दैट चाय के अंदर जो होता है ना, अगर आप मॉर्निंग में खाली पेट चाय लेते हो ना तो इट कॉजेस गैस विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल. सो आई स्टॉप्ड हैविंग चाय एंड आई स्विच्ड टू कॉफी. हमारी कॉफी में क्या होता था, यूजुअली सिर्फ पानी होता था एंड बहुत थोड़ा सा मिल्क होता था. आई स्टार्टेड विद इट 4 स्पून ऑफ मिल्क मैक्स and no sugar, only sugar free. Sugar free में भी we used to have stevia which is a natural based sugar free, and जो हमारी इंडिया की sugar free होती है उसमें क्या होता है, मैंने बहुत लोगों से सुना that it causes memory loss. अगर आप ज़्यादा sugar free लो तो आपको memory loss होने लग जाता है. So you should not take sugar free. If you are cutting down on sugar and you're thinking of starting with sugar free, just don't take sugar free which comes in the market. Just switch to stevia instead. I started taking stevia and मुझे starting में बहुत ज़्यादा issues हुए हैं कि obviously sugar free बिल्कुल sugar जैसी नहीं लगती. मुझे इतना मन करता था sweet खाने का, but नहीं, मैंने अपने आप को रोकती थी कि नहीं खाना. फिर मुझे धीरे धीरे मेरी body को habit पड़ गई stevia की. So धीरे धीरे वहाँ से मेरा चाय से cut down हुआ, मैं coffee पे आई and I started with intermittent fasting. Disclaimer again, before starting intermittent fasting, just go to Google and research about it properly. बिकॉज डिफरेंट बॉडी टाइप्स के साथ डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है. सो मुझे पता था मेरे अंदर क्या क्या कमी है, विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, क्या चीज की कमी है. तो आई मेड श्योर मैं अपनी डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स लूँ. आपको भी ये सेम करना चाहिए, जस्ट गेट योर बॉडी चेकअप डन बिफोर स्टार्टिंग इंटरमिटेंट. जस्ट टेक अ नोट कि अच्छा आपको ये विटामिन्स की कमी है. एंड आई विल से कि आप अगर एक डाइटिशियन को, एक प्रोफेशनल को कंसल्ट कर सकते हो तो आपको करना चाहिए. सो आई स्टार्टेड विद IF. सो IF इज अ डाइट रूटीन इन विच यू have to fast for 16 hours and eat in that 8 hours window. Starting में जो भी ये सुन रहा होगा उसको बहुत ज़्यादा tough लग रहा होगा कि ओ ऐसे कोई कैसे कर सकता है. Well, it's really hard but it's not impossible. It's very much possible and pandemic really helped me at that point of time. सबको पता उस time पर सबका routine कितना fucked up था, सब इतना लेट उठते थे, तो पैंडेमिक ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है. आई रियली वांट टू पुट इट आउट देयर दैट आई स्टार्टेड विद दिस ग्रीन ग्रास पाउडर. लाइक यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर. इट रियली रियली हेल्प मी विद माय साइकिल एंड एवरीथिंग. हार्मोनल चेंजेस वगैरह मेरे जितने भी होते, इट रियली हेल्प मी विद माय हार्मोन्स एज वेल. इट्स रियली गुड गाइड, इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड. यू शुड डेफिनेटली जस्ट, अगर आपको प्रॉब्लम भी नहीं है ना आपकी साइकिल में, फर्स्ट ऑफ ऑल टच वुड, गेट दिस पाउडर एंड अपना रूटीन आप इस पाउडर से स्टार्ट करो. आई रिकमेंडेड दिस टू माई फ्रेंड्स एज वेल एंड दे स्टार्टेड विद इट एंड दे जेन्युइनली सॉ रिजल्ट्स. And it's really helpful. I highly recommend you guys to try it out. So मैंने अपना green grass powder से सब कुछ start करा था. तो whenever I used to wake up, I used to have green grass powder, एक cup of water में, ऐसे लूप वॉर्म वाटर में ग्रीन ग्रास एक चम्मच पाउडर डाला एंड यूज टू मिक्स इट एंड यूज टू हैव इट इन द मॉर्निंग. हाफ एन आवर 45 मिनट्स का ब्रेक लेकर मैं एक कप कॉफी पीती थी. लाइक दिस इज द कप विच आई यूजुअली यूज टू हैव. लाइक दिस इज वेरी बिग कप, सो इसमें पूरी कॉफी होती थी एंड मैं कॉन्स्टेंटली वो सिर्फ कॉफी पीती थी. तो जब आप कॉफी पीते हो ना, आप धीरे धीरे कर कर सिप ऑन करके कॉफी पीते हो, तो आपका जितना भी हंगर होता है ना, आपका वो उस टाइम के लिए कंट्रोल हो जाता है. मेरे उठने के 2-3 घंटे बाद मैं खाना स्टार्ट कर सकती थी. सो जितने भी आज होते थे, मेरा ये कॉफी हेल्प कर देती थी, मेरा पेट भरा रहता था. सो उसके बाद मैं कॉफी पीने के बाद, अच्छा 1 आवर तक यू फील वेरी नॉर्मल एंड इफ यू स्टिल फील हंग्री, यू कैन हैव अ कप ऑफ वॉटर, लेमनेड, एनीथिंग विच इज लिक्विड. जस्ट मेक श्योर इन IF यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग सॉलिड. Solid includes fruits as well, so you're not having fruits and not having any biscuit or anything which is solid basically. Obviously not something which has a huge amount of sugar. जो भी मेरी कॉफी होती थी उसमें सिर्फ स्टीविया होती थी, शुगर नहीं होती थी. शुगर और सॉलिड का कट डाउन करना पड़ता है सिर्फ फॉर 16 आवर्स. तो जब तक मेरा टाइम नहीं होता था मैं कॉफी पीती थी एंड देन जब मेरा टाइम होता था आई यूज टू हैव नॉर्मल घर का खाना. ट्रस्ट मी गाइस, मैं नॉर्मल पराठा खाती थी. घर का पराठा हो गया, जो भी घर पे बना होता था, फॉर एग्जाम्पल राजमा राइस बने हुए, मैं राजमा राइस खाती थी. जितनी भी मुझे भूख होती थी मैं खाती थी. ऐसे बॉयल्ड फूड वगैरह मैंने कुछ डाइट फूड नहीं लिया, कुछ नथिंग, ट्रस्ट मी नथिंग. बट कोई भी बाहर का खाना नहीं होता था, सिर्फ घर का खाना. 8 आवर्स की विंडो जब मेरी स्टार्ट हुई, माई फर्स्ट मील घर का खाना. फिर देन जो बीच में गैप होता था उसमें मैं फ्रूट्स वगैरह खाती थी एंड जिससे मेरा न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर रहता था. यूज टू हैव फ्रूट्स, आई यूज टू हैव अ कप ऑफ ग्रीन टी एज वेल, जिससे जितना भी आपका खाना खाया वो डाइजेस्ट हो जाता था. देन लास्ट में मेरी जो मील होती थी, 8 आवर पे मेरी मील होती थी, वो भी मेरा घर का खाना होता था. जो भी घर पे रोटी सब्जी बनी होती थी, आई यूज टू हैव इट. आई ऑब्वियसली अवॉइडेड कार्ब्स एट नाइट एंड कार्ब्स इन द सेंस, मैं बेसिकली मैंने राइस अवॉइड करे है रात को खाना. मैंने शुगर से कट डाउन कर दिया था, नॉट माई एपेट शुगर, शुगर से कट डाउन कर दिया था. सो 8 आवर पे मैं अपना खाना खाती थी एंड देन आई न्यू कि इसके बाद मुझे कुछ नहीं खाना. चाहे मैं जितनी भी देर उठी होती थी रात को, मैं कुछ नहीं खाती थी. अगर मुझे फिर से भूख लगती थी रात को, तो मैं फिर से एक कप ऑफ कॉफी बनाती थी और मैं कॉफी पीती थी.
तो ये मेरा डाइट का रूटीन था एंड इट रियली हेल्प्ड मी. आई लिटरली लॉस्ट 20 केजीज बिकॉज ऑफ IF एंड वर्किंग आउट. इट इज वेरी अनरियल फॉर मी. इफ आई स्पीक इट आउट लाउड दैट आई हैव लॉस्ट 20 केजीज, इट्स वेरी अनरियल फॉर मी. आई वॉज वेरी शाय बिफोर, मतलब मुझे वेट अपना कोई भी मुझसे पूछता था व्हाट्स योर वेट, आई वॉज वेरी शाय. मुझे शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं था बिकॉज आई वॉज 80 केजीज बैक देन एंड नाउ आई एम 59.5. सो इट्स अ वेरी ह्यूज डील फॉर मी एंड मेरी पूरी साइकिल वगैरह सब ठीक हो गई है बिकॉज ऑफ IF एंड आई एम स्टिल डूइंग IF, आई एम स्टिल ऑन माई डाइट. अगर मैं कुछ भी बाहर का भी खाती हूँ, मैं अब बाहर का बहुत कुछ खाने लग गई हूँ, अगर मैं कुछ भी बाहर का खाती हूँ, अगर मैंने डिनर में खाया है बाहर का, तो आई मेक श्योर कि मेरा नेक्स्ट लंच बहुत लाइट हो, ज्यादा हैवी ना हो, चाहे मैं डिनर हैवी कर लूँ. तो मैं इसे बैलेंस आउट करके चलती थी एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट प्रॉपरली विद बॉक्सफिट. सो मैंने बॉक्सफिट के साथ ऐसे 1 month प्रॉपरली वर्कआउट करा. फिर जब मुझे वर्कआउट की आदत लग गई थी तो मैंने बॉक्सफिट भी छोड़ दिया था. मैं रनिंग करने लग गई थी तो मेरे को जिम जाने की बिल्कुल मोटिवेशन नहीं थी, तो मैं सारी नेचुरल चीजें करती थी, लाइक पार्क में चले गए, रनिंग कर ली, 5 rounds कर लिया, अच्छा 10,000 स्टेप्स जितने भी हो पाते थे मैं करती थी. और मैं इतनी ना फिनिकी नहीं थी चीजों को लेकर, मैं हमेशा सोचती थी अच्छा आई एम लूजिंग वेट, अच्छा एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, आई एम लूजिंग वेट एवरी सेकंड एवरी मिनट एवरी. This was my affirmation at that point of time. This is my affirmation right now also. I was very positive. Also, I weighed myself in 2020. Like I was 80 kgs and I weighed again after 6 months. मतलब 6 months मैंने weighing machine की शक्ल नहीं देखी थी. मैंने अपना weight देखा. I was 67. मैं सच्ची में I was shook. मैंने बोला मम्मा को, मम्मा ये machine खराब है या कुछ है. 13 kgs down. How is that possible? सो मम्मा बोला नहीं ये मशीन खराब नहीं है, मैं चढ़ कर देखती हूँ. मम्मा भी चढ़ी एंड मैं सच्ची में शॉक में थी दैट मैं 13 केजीज डाउन हूँ ऑलरेडी. सो मैंने वेइंग मशीन बिल्कुल चेक नहीं करी थी. सो यू मेक श्योर व्हेनेवर यू स्टार्ट डाइटिंग आप अपना स्टार्टिंग में वेट चेक कर लो एंड फिर भूल जाओ आपके घर में वेइंग मशीन भी है. ट्रस्ट मी, वेइंग योरसेल्फ अगेन अगेन ओनली डीमोटिवेट्स यू, विच इज नॉट गुड फॉर योर लाइफस्टाइल. सो जस्ट स्टॉप वेइंग योरसेल्फ. वेट डजंट मैटर एक्चुअली, जस्ट मैटर कि आप हेल्दी कितना हो रहे हो अंदर से एंड स्टार्ट वर्किंग आउट. आप वॉक करो, आप नॉर्मली रनिंग पे चले जाओ या फिर नॉर्मली कुछ भी छोटी सी एक्सरसाइजेस करो बिफोर गोइंग टू बेड. शेक योर आर्म्स एंड डू क्रंचेस बिफोर, लेटे लेटे आप चाहे क्रंचेस कर लो. आई यूज टू डू दिस एज वेल. मैं लेटे लेटे क्रंचेस कर रही होती थी एंड मैं बिल्कुल भी फिनिकी नहीं थी सब चीजों को लेकर. आई वॉज वेरी काम एंड नाउ आई एम 59 एंड आई एम रियली 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 प्राउड ऑफ माई सेल्फ. आई जेन्युइनली फील दैट आई कैन कंटिन्यू दिस फॉर लाइफ एंड मुझे बहुत एनर्जेटिक फील होता है व्हेनेवर आई डू IF, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ज्यादा 3 meals ले लूँ, अगर 3 meals अ डे करूँ, तो मुझे बहुत लथार्जिक फील होता है. आई फील वेरी लेजी एंड आई डोंट वॉन्ट टू गो एंड वर्क एंड मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लेजी फील होता है, तो इसलिए मैं नॉर्मल करती नहीं हूँ. लाइक ऑब्वियसली मैं चीट डेज अपनी रखती हूँ, संडेज आ मैं चीट डेज, तो मैं संडेज को सब कुछ खाती हूँ अगर जितना ही मेरा मन करता है. द मेन थिंग इज गाइज दैट IF सीम्स वेरी डिफिकल्ट बट वंस यू स्टार्ट गोइंग ऑन टू दैट पाथ इट इज वेरी इजी एंड यू विल एंजॉय दिस प्रोसेस. ट्रस्ट मी, IF चेंज्ड माई होल लाइफ. आई एम सो ग्रेटफुल. इट रियली मेक्स मी फील सो happy and my body is genuinely happy right now. जो होता है ना, अगर आप एक बहुत ज्यादा ओवर वेट से बहुत कम वेट पे आते हो, आप अपना वेट रिड्यूस करते हो, तो आपकी बॉडी फैट आपका लूज हो जाता है बहुत ज्यादा. माई फैट इज ऑल्सो नॉट लूज. मेरा बिल्कुल वैसे एकदम ड्रास्टिकली लूज नहीं हुआ है कुछ भी. सो द प्रोसेस इज वेरी नेचुरल. आई एम जेन्युइनली गोइंग टू टेक दिस IF थिंग फॉरवर्ड थ्रू आउट माई लाइफ. जहां तक मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी बिकॉज दिस इज द हेल्थीएस्ट आई हैव एवर बीन इन माई लाइफ एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वर्किंग आउट एंड IF. आर एजेंडा इज नॉट टू लूज वेट, इट इज टू मेक अ हेल्थियर लाइफ स्टाइल विच वॉज माइंड बैक देन. आफ्टर दिस वीडियो आपको मेरे पुराने ब्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे सारे के सारे. में आई स्टार्ट पोस्टिंग अगेन ऑन यूट्यूब एंड आई बी बैक ऑन यूट्यूब अगेन. And I hope आप अपने खुली बाहों से दीक्षा 2.0 को वेलकम करो बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक ऑन YouTube. Bye guys. Also, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Let's go.